मित्रों नमस्कार, दिव्यांगम चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज दिव्यांगम सरोकारों को देखते हुए मैं सीतापुर जनपद के ब्लॉक पहला के गांव भवनापुर और ग्राम पंचायत बकरा कबरा ग्राम पंचायत के मैं आया हूं। यहां पे बहुत सारे दिव्यांग, बहुत सारे विडोज, बहुत सारी परित्यक्ताएं, बहुत सारी और सी तमाम सी औरतें हैं, तमाम से बच्चे हैं। यहाँ पर किसी भी बच्चे को, किसी भी महिला को कोई पेंशन, जनधन खाता कुछ भी नहीं खुला है। यहाँ पर ये संवेदनहीनता है प्रशासन के, जो मान्य अधिकारी हैं ब्लॉक स्तर के, उनकी ये संवेदनहीनता है। अभी यहाँ के युवा प्रधान श्याम बाबू यादव, जो कि बहुत कुछ कर्मठ हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जनता का समर्थन है उनके साथ, मैं उनके साथ बहुत सारे ग्रामीणों के साथ बैठा हुआ हूं और उसका नेतृत्व कर रहे हैं श्याम बाबू यादव जी। श्याम बाबू जी से मैं आपकी वार्ता कराता हूं, इस ग्राम पंचायत के, इस गांव की आपको असली तस्वीर दिखाने का प्रयास करता हूं। मिलते हैं श्याम बाबू जी। नमस्कार श्याम बाबू जी, ये बताइए कि आप पहले तो यहाँ के प्रधान बने, नए नए, मैं आपको बधाई देता हूँ। आपका सबसे प्रमुख एजेंडा क्या है कि इस गांव का कैसे विकास करें? देखा सर, नाले हैं, रास्ता है, विकलांग जैसे सर्टिफिकेट है, विधवा पेंशन है और शौचालय है, ये सब मेन एजेंडा है। अच्छा, आपके गांव में क्या आप ये बता सकते हैं कि कितनी महिलाओं को पेंशन मिलती है? दो तीन जी, हमारे गांव में ग्राम सभा में मतलब 15-20 हो गए। यहाँ पूरी ग्राम पंचायत की कितनी जनसंख्या होगी? 1800 में 10-15 लोगों को पेंशन मिलती है, विधवाओं को। और दिव्यांगों के कितने दिव्यांग ऐसे जिनको पेंशन मिलती है? एक भी नहीं। अच्छा, इन दिव्यांगों को पेंशन दिलाने के लिए जब से आप आए हैं तब से आपका क्या प्रयत्न है? प्रयास करें साहब यही कि मतलब इनका पेंशन दिलाई जाए। मुझे अच्छा लगा कि आपने मुझे बुलाया इसी कारण कि इनको, दिव्यांगों को पेंशन मिले। मैं आपका बड़ा शुभकामनाएं देता हूं। अच्छा, आप ये बताएं कि आप कुछ ग्राम पंचायत के, आपके अंतर्गत इस गांव की जो ये दिव्यांग आए हैं, इनके विषय में, इनकी सशक्त दो तीन परिवारों के विषय में बताएं कि कौन कौन सा परिवार है, किस तरीके से क्या इनके विषय में चाहते हैं? चाहते साहब इनके ना तो विश्व जमीने हैं, 10-5 विश्वा है, पूरा परिवार जिनका विकलांग हो जी, लड़का बेटिया तो का सही है, का कहूँ। ये परिवार एक है इनकी तरफ जी, ये परिवार है जिनके परिवार के तीन बच्चे दिव्यांग हैं जी। इसके लिए प्रधान जी विशेष तौर से चाहते हैं कि उनका चित्रण हो, उनको उनके विषय में कुछ सहायता गवर्नमेंट से मिल सके और ये लड़कियों का हम पूरा इनका लेखा जोखा लिख के ले जा रहे हैं प्रधान जी की रिकमेंडेशन के ऊपर। और आगे हम चाहते भी हैं कि इनको किसी न किसी प्रकार से हम सरकारी सहायता इनको दिलवा सकें। और एक लड़का अल्पसंख्यक समुदाय का है, जरा इधर आ जाओ, तुम आ पाओगे? अल्पसंख्यक समुदाय का ये लड़का है, तुम्हारा क्या नाम है? लाल मोहम्मद नाम है। ये लाल मोहम्मद पैरों से सिर्फ एक खड़े तो हो जाते हैं, लेकिन पैरों से कोई बहुत ज्यादा चल नहीं सकते हैं, हाथ इनके कुछ काम नहीं करते हैं। हाथ से हाथ दिखाइए जरा, इस तरफ करके, हाथ से कोई काम नहीं कर सकते, जरा हाथ हमारा पकड़िए। कर तो लेते हो यार, दबा तो लेते हो? हाँ, दबा लेते, तब फिर काम तो कर लेते हो तुम थोड़ा बहुत घर में जो है। ऐसा है, सुविधाओं लेने के लिए केवल दिव्यांगता को मत दिखाइए, जितना कर सकते हो जरूर करिए। चलिए, एक और एक मूक बधिर बच्ची थी जिसकी शादी हो चुकी थी, जो बोल और सुन नहीं पाती, कौन लड़की है? जा चुकी है। और कौन? ये लड़का देखिए, मूक बधिर लड़का, जरा खड़े हो, खड़े हैं। ये बच्चा, इसका क्या नाम है? लवकुश से लड़का है, ये बोल नहीं सकता, सुन नहीं सकता है, ये पढ़ाई करता है? नहीं, कर कोई मास्टर पढ़ाई पे नहीं करे, कोई पढ़ाई बोल नहीं पाता, पढ़ाई करता नहीं। मूक बधिर विद्यालय है, कोई नहीं है, नहीं पढ़ाई नहीं करता, कहीं जब भी बोल नहीं पाता, पढ़ाई नहीं।
कौन टीचर कहते हैं ये मना नहीं कर सकते इनकी ऐसी तैसी हो जाएगी। अभी छोड़ रहे तब नहीं पढ़े तब तो होगा 22 साल के तो ये 22 साल का होगा। अच्छा और क्या खेती वेती है आपके यहाँ? हमारे दादा खेती वेती कुछ नहीं है, खेती हमारे घर की सब लग गया उलोर हमारे पुरखा रहे बैठा खेती सब। तो हमारे बीघा भर खेत है हिस्से पर दू हमारे लौंडे हैं चार हैं बिटिया तो बड़का लौंडा है बोले नहीं पावते हैं। अच्छा इधर प्रधान जी एक चीज और मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप एक बात का और प्रयास करें, मेरा एक मैं चूंकि उम्र में आपसे बड़ा हूँ तो ये मैं आपको बताता हूँ कि लोगों के अंदर इस बात के लिए ज्यादा यत्न करें कि दो बच्चे से ज्यादा किसी के यहाँ पैदा ना हो। उनको समझाइए कि दो बच्चे से ज्यादा पैदा करके उनकी परिस्थितियाँ उनकी आर्थिक संसाधन आपके पास नहीं, बच्चे खुद पैदा करते जाओगे तो कहाँ से उनको खिलाओ पिलाओगे। देहात में नहीं कोई मानते नहीं उनके जो बोर्ड वोर्ड आते हैं लगवाइए, लोग ब्लॉक से आएंगे ब्लॉक चाहिए, ब्लॉक वाले आकर के वो जो मैडम आती हैं आपकी जो आंगनबाड़ी केंद्र है आंगनबाड़ी केंद्र की महिलाएं उनसे कहिए कि वो कहें ये सब करिए कुछ। और आप सबसे पहले जो अगर सरकार को दे तो सबसे पहले आप इस गाँव में क्या करना चाहते हैं? सर रास्ता नाली में बड़ी परेशानी है। अच्छा रास्ता नाली ना तो है ना तो रास्ता बने तो कच्चे कबाड़ सब पड़े जल भराव बरसात हो सब नाले ले पानी रहता है। पिछले पाँच साल में कितनी नालियां भरी? दो चार बनी है, पूरी ग्राम सभा आपके गांव कितनी, इस गांव कितनी बनी? एक नाली बनी वहाँ 50 साल वहाँ दस। अच्छा तो आप जब बनवाएंगे तो आप खुद देखेंगे सुपरविजन करेंगे? क्योंकि सुपरविजन बगैर करे हुए जितना ठेकेदार आएगा वो 15-16 का मसाला लगा करेंगे, खुद अपने हाथ बनवाएंगे ठेकेदार दे देंगे। गांव हमारा है तो बना के ले जाएंगे। इस प्रकार का प्रयत्न आप जो करेंगे तो हमारी शुभकामनाएं हैं और हमारी उम्मीद है कि इस गांव में बहुत सारे जो ग्राम पंचायत ये जैसे है आपके लिए एक आदर्श ग्राम पंचायत सीतापुर की बने और दूसरे गांव प्रधान भी यहां के प्रधान जी से सीखें कि कैसे कैसे अपने गांव में दिव्यांग लोगों के लिए परित्यक्ताओं के लिए गरीब महिलाओं के लिए गरीब किसानों के लिए और अपने गांव के खड़ंजा लगवाने के लिए नाली बनवाने के लिए कितना ये परेशान रहते हैं प्रधान जी। इसी प्रकार की संवेदना इसी प्रकार से हमेशा अशांत जब प्रधान होगा जब परेशान होगा अपने गांव के लिए, सब लोग अपने घर के लिए परेशान होते हैं। मैं चाहता हूं इस चैनल के माध्यम से हमारे जो प्रधान जितने सुन रहे हों जितने देख रहे हों उन सबको इनका आदर्श आए, उनकी नींद गायब हो जाए जब तक उनके गांव की परेशानी दूर न हो, जब तक उनके गांव में सबको पेंशन न मिलने लगे, सबको पेंशन मतलब वाजिब पात्रों को, सबको जो वाजिब नहीं उसको न मिले, जो दिव्यांगों का जब तक सर्वे न हो जाए, दिव्यांगों को जब तक पेंशन न मिलने लगे, जब तक महिलाओं के अच्छा यहाँ पे शादी ब्याह में किसी को सहायता मिलती है? अच्छा एक चीज और आप लोगों को पता होनी चाहिए, ग्राम प्रधान जी आप बताइएगा, जो जिसके यहाँ लड़की जन्म लेती है तो लड़की जन्म लेने के लिए भारत सरकार से ये व्यवस्था हुई है कि उसको 25,000 रुपए मिलता है, फिक्स डिपॉजिट किया जाता है, जब वो 18 साल की होगी तब वो 25,000 रुपए का करीब करीब 16 लाख रुपया मिलता है। ये सब दोस्तों ये सब ब्लॉक से बात करिए, आपको जब तक जानकारी नहीं होगी तब तक ब्लॉक वाले बेवकूफ बनाते रहेंगे, वो एक जानकारी कर, उनको परेशानी कोई नहीं, वो कौन लिखा पढ़ी करे, कौन फॉर्म भरे, कौन यहाँ दौड़ दौड़ के आए, कौन परेशानी करे। अब हम लखनऊ से यहाँ तक आए हमारा 1,000 रुपए का पेट्रोल डीजल गया, वो हम अपने पैसे से रहे हैं, सरकार से हम कोई नहीं प्राप्त कर रहे हैं, न किसी पार्टी से प्राप्त कर, न बीजेपी से प्राप्त कर रहे हैं, न सपा न बसपा से प्राप्त कर, अपने पास से कर रहे हैं, क्योंकि हमारे अंदर एक जुनून है, वही जुनून मैं आपके अंदर भरना चाहता हूँ, समझे? तो ये आप जानकारी रखिए, नेट पे है, इंटरनेट पे सब सारी सुविधाएं, ग्राम पंचायत को क्या मिलना चाहिए, कैसे किसको लाभ मिलना चाहिए, जिसके पहला अगर कोई दिव्यांग लड़के से शादी करती है तो उसको 45,000 रुपए गवर्नमेंट देगी, एक बात ये सब लोग याद रहे। किसी परिवार में जिसके दो बच्चे हैं अगर उसके लड़की पहली लड़की पैदा होती है और दूसरी भी लड़की पैदा होती है
तो 25,000 का फिक्स डिपॉजिट गवर्नमेंट करके उसके नाम देगी, और वो फिक्स डिपॉजिट तब तक कोई अभिभावक उनके माँ बाप नहीं तोड़ा सकते हैं जब तक वो 18 साल की लड़की न हो जाए। अगर मृत्यु हो जाती है तब वो, मान लीजिए किसी का दुर्भाग्यवश मृत्यु हो जाती है, तब वो 25,000 रुपए जो भी जितने दिन के बाद मृत्यु होती है वो उसके पिता को या माँ को मिलेगा, उसकी गार्जियन माँ ही रहेगी, पिता नहीं रहेगा, समझे। इस बात का व्यवस्था सरकार ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार ने, नरेंद्र मोदी जी ने की है, ये केंद्र सरकार की योजना। पिछले साल से फार्म मास्टर लोग भरे ना स्कूल विद्यालय में, हम पर पैसा को तो पैसा विद्यालय से बात करिए, ब्लॉक पड़े होंगे तब कागज पड़े होंगे। जिनके तो लड़की रहे या लड़की रहे, योजना लागू की जाए तो विद्यालय में हेड, मतलब प्राथमिक विद्यालय जो बना है मास्टर लोग फार्म आधार सब मंगवाना है पिताजी के सब, लेकिन हमका पैसा को देने ना। अच्छा एक और चीज आप लोग जान लीजिए, अगर किसी के बात समझने की कोशिश करना सब लोग, किसी व्यक्ति को मैं नहीं कह रहा हूं लेकिन सबको समझ रहे, अगर किसी व्यक्ति के विकलांग संतान है और उसके मान लीजिए 5 बीघा जमीन है और एक विकलांग संतान है और 4 सकलांग व्यक्ति हैं, अच्छे स्वस्थ व्यक्ति हैं, तो 5 बीघा जमीन जो है तो 4 बीघा पिताजी और अम्मा जी बेच सकते हैं या वो 4 बीघा दे सकते हैं, लेकिन जो विकलांग का हिस्सा जितना है न तो माँ बेच सकती न बाप बेच सकते, ये आप नोट करे रहे। और वो विकलांग व्यक्ति का हिस्सा वो जब 18 साल या 22 साल का हो जाएगा, शादीशुदा हो जाएगा, वो अपने चाहे तो बेच सकता है, लेकिन कोई उसका बाप माँ कोई नहीं बेच सकता। अगर किसी के विकलांग संतान पैदा हो गई तो उस विकलांग संतान का ऑटोमेटिक उस जमीन के हिस्से पर जो जितने बच्चे हैं, जैसे 2 बच्चे हैं तो 1/8 हो गया। नहीं, ये तो साहब है लागू है, लागू है, मतलब ये हम सबको जानकारी देना चाहिए, लागू है, मतलब जो संतान है उसकी कोई संपर्क नहीं। तीसरे, अब काट दीजिए, तीसरे।